आयुष्मती गीता, किस तरह से रही आयुष्मती गीता से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, उसके बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे। आयुष्मती गीता ऑनेस्टली मेरी लाइफ स्टोरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब एक गाना बजा सेट पे, विच इज द थीम ऑफ आर सॉन्ग, जो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन वो गीता की जर्नी है और ये मेरी जर्नी। गीता से मुझे ये सीखने को मिला कि गीता अपने परिवार को बहुत बहुत ज्यादा प्यार देती है। उनकी जो पिताजी हैं मेरे, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, मैं मेरे पिताजी को छोड़ती नहीं हूँ। एंड आई थिंक गीता और मैंने दोनों एक दूसरे से ये सीखा है, बिकॉज जो मेरी फैमिली है, मेरी मॉम यहाँ पर है, मेरे डैड यहाँ पर है, हम बहुत बहुत टाइट है एज अ फैमिली। जब मुझे पता चला ना कि ये ऐसी फिल्म है जो परिवार वाले आकर देखी, मैं समझ गई कि In this world, there is nothing bigger than a family. Nothing. गीता से आपको एजुकेशन के बारे में, बहुत चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। And the whole point of I think Pradeep ji giving me this film was that ये मेरी लाइफ स्टोरी है, बहुत फेलियर्स होने के बाद, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, ऐसी फेलियर्स इन द सेंस कि अरे ये तो हो गया है, अब ये कब होगा, ये हमारी इंडस्ट्री में होते रहता है, ये प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट है, ये कब होगा। बट आई थिंक एक चीज मैंने सीख लिया था कि टाइम को कोई रोक नहीं सकता, जो कुछ होना है वो सही समय पर हो जाएगा। एंड गीता से ये सीखने को मिलता है कि शी नेवर गिव अप, वो लड़ती रही एंड तक। जब आप मूवी देखोगे ना, आपको पता चलेगा वो गिव अप नहीं करेगी। तो और एजुकेशन के बारे में ऑफ कोर्स तो बस यही चीज है कि सारे लोग जाकर देखें और एजुकेशन को प्लीज इम्पोर्टेंट समझे, बिकॉज नॉलेज इज पावर, लाइक आई सेड, और वो सीखने को मिलता है। अगला सवाल प्रदीप जी से, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बीच में इतने से बढ़ा दूंगा बात को। बात ये है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मतलब हम बार बार पढ़ाई की, सिर्फ पढ़ाई की बात करें, एंटरटेनिंग फिल्म है, मस्त म्यूजिक है, अच्छा म्यूजिक है, आपकी दिल को छूने वाला म्यूजिक है जो स्टोरी को एनहांस करता है, और डांस है, कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, कई कई मैंने भी किए, अच्छा तो मतलब मजा आने वाला है। प्रदीप जी आपसे सवाल है, कई सदियों से हम गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं पर आज भी देश में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्या कारण मानते हैं और आपकी फिल्म देखने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद लगती है आपको? देखिए, मैं किसी देश को बदल तो नहीं सकता, जस्ट ये एक फिल्म एक माध्यम है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक माध्यम है कि हम एक फिल्म बनाते हैं और एक मैसेज देते हैं ऑडियंस को। अब ऑडियंस कैसे इसको लेती है, इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन द ऑडियंस। So, मेरी फिल्म में एक लड़की की कहानी है बेसिकली, और इट्स बेस्ड ऑन अ मैट्रिक पास। सो हमारा टाइटल है आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। सो अभी जब मैं आनंद सर को मिला था सुपर 30 के दौरान में, तो मैंने अपने आप को सर से ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि सर मैं भी अपकमिंग डायरेक्टर हूँ और मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड करिए। बिकॉज आनंद सर ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो आनंद सर के स्टूडेंट रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं उस लेवल पे आनंद सर का स्टूडेंट नहीं रह पाया, लेकिन मैं जब आनंद सर हमारी इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे बायोपिक के थ्रू, तो मैं उनको मिला और मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, मुझे फिल्म बनानी है, तो आप गाइड कीजिए। तो सर ने बोला करीब फिल्में बहुत बनती हैं और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, अगर आपको कुछ सोचना है तो गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए, गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए। देन हम लोग ने उसके बारे में रिसर्च करना चालू किया, एंड देन वी कम टू आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। बाकी आनंद सर बताएंगे। दरअसल में एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, जहां भी कुछ देश में अच्छा काम हो रहा है, हमारे देश में आज भी बहुत लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं,
बॉम्बे दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी आज भी अभावों में है, इनइक्वालिटी है, गरीबी है, अत्याचार है, हर चीज है। इन तमाम चीजों का समाधान अपनी जिंदगी में मैंने देखा वो है एजुकेशन। आज एजुकेशन बच्चों तक पहुंच रहा है। तो जब बात हो रही थी हमारी प्रदीप जी से, संजीव जी से, तो हमने एक बात बताई कि देखिए फिल्म को बोर मत करिएगा, ऐसा बोरिंग टाइप का डॉक्यूमेंट्री टाइप का, इसको देखने में भी मजा आए, कई बार हाथ से हो, कई बार दिल को छू ले, ऐसी फिल्म जरूर बनाइए। तो इन्होंने स्क्रिप्ट जब दिखाया, पढ़ के सुनाया, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि अगर ये फिल्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाती है, उनको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, या अपने बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, तो इस फिल्म को जितना भी हो सके सपोर्ट करना चाहिए। इसमें मेरा एक रुपया का भी आर्थिक इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हमने प्रोड्यूसर से पैसा ले लिया या कुछ ले लिया तब आके पेड प्रमोशन कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा इंटरेस्ट था कि अच्छा काम जहां हो उसको सबको प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आप से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट भी बनना चाहते हैं बहुत लोग। आयुष्मती गीता की अगर बात करें, कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी होगी और क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का इनिशिएटिव है फिल्म के माध्यम से जब लोगों के पास पहुंचता है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, तमाम सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या हमारे भारतीय सरकार की बात बोलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की बात बोलिए, सब लोग, हर लोग चाहते हैं कि भाई बच्ची की शिक्षा पर जोर दिया जाए। तो ये उस जो भावना है ना, इसको और तेजी लाएगी। हम बोल देते हैं ब्यूरोक्रेट्स प्रयास करते हैं, लेकिन सिनेमा का जो अपना इम्पैक्ट होता है वो बहुत गजब होता है। इसलिए बहुत अच्छा विषय है, मेरा विश्वास है कि जरूर बदलाव लाएगी, फिल्म चलेगी भी, लोग पसंद भी करेंगे, लोगों का मनोरंजन भी होगा, और मधुरतम, मधुर नहीं समझे, मधुरतम संगीत को सुनकर उस दुनिया में चले जाएंगे जहाँ एक जमाने में हम लोग गाना सुन के कहीं रेडियो पर बजता था रुक जाते थे, पूरा गाना होने के बाद जाते थे, वो जमाने की गाना है। तो जब भी आनंद सर बात करते हैं, मन करता है सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, बहुत खूब। और कशिका जी मेरा सवाल आपसे है कि जो आप जो किरदार निभा रही है आयुष्मती गीता का, बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है, आपने अपनी तरफ से क्या प्रिपरेशन की थी, उस बारे में भी अगर कुछ शेयर करें आप। सर प्रिपरेशंस तो बहुत की थी, मैं प्रदीप जी को फोन करके बोलती थी कि मैं रात को 2-3 बजे तक बैठने वाली हूँ, आप रहो ना रहो मैं खींच कर इनको बोलती थी कि नो यू हैव टू सिट नाउ, हम साथ में करेंगे। बट सर इम्पैक्ट तभी आता है ना जब आपका 100% देते हो, एंड आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में। जैसे मेरे डैड ने बोला दैट यू नो पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, अगर आप किसी भी चीज़ में आपका 100% डालोगे तो वो चीज़ सक्सेसफुल होगी ही होगी, एटलीस्ट आपके लिए, यू विल फील गुड अबाउट इट। मेरे साथ हमेशा ये हुआ है, इफ़ आई हैव डन एनीथिंग आई ऑलवेज वांट टू गिव माय 100%, तो वो हुआ है। इनफैक्ट मैं सोई नहीं थी शूट के टाइम, लास्ट डे पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं नहीं बोल सकती, बट लास्ट डे पर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट फिर भी मैंने प्रदीप जी को बोला, ही सेड नो टेक अ डे ऑफ, रेस्ट कर लो। मैंने बोला नहीं, आप लोग के बहुत पैसे लगे, इट्स जस्ट अबाउट यू नो रिस्पेक्टिंग पीपल एंड देयर रिसोर्सेज। तो मैंने बोला नहीं, आई हैव टू फिनिश इट, वो मैं 100% दूंगी, आप कैमरा ऑन करो। भगवान सबको ऐसी गीता दे, एज बहू, एज बेटी, एज बीवी, और प्रोड्यूसर को भी ऐसी एक्ट्रेस दे, पैसा पैसा वसूल। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाय, दिस इज सोहेल ओया, या प्रोडक्शन बॉलीवुड। आयुष्मती गीता एंड द एंटायर टीम को, लाइक आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आनंद सर, बहुत ही खुशी होती है आपको देखकर, यू नो आप जिस भी मंच पर जाते हो लाइक चार चांद लगा देते हो। जस्ट जानना था कि जब आपका कितना गाइडेंस था इस फिल्म के लिए भी, जैसे प्रदीप जी आपको अगर मिले थे, जैसे आपने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री नहीं लगनी चाहिए, फिल्म में इंटरेस्टिंग पार्ट भी होना चाहिए, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी, जैसे आप भी एजुकेटर हुआ एक्चुअली, यू नो मतलब बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा उनको मजा भी आना चाहिए लर्निंग में, तो इस तरह की कुछ बात या आपने कोई गाइडेंस दी? बहुत अच्छी बात, खुशी, बड़ा अच्छा सवाल है, इसके लिए ताली बजाती, बहुत अच्छा सवाल।
संजीव जी जब हमसे जुड़े थे तो उसके बाद ही उनसे बातचीत होते रहती थी। कुछ कुछ जब अच्छा म्यूजिक बनाते थे, कहीं कोई टीवी सीरियल में ओटीटी के लिए कुछ धुन बनाते थे तो भेजते थे, हम बड़ा अच्छा कर फील करके उसको सुनते थे, तो इनसे बात होती थी। प्रदीप जी से भी धीरे धीरे बात होने लगी, तो जब भी हम बॉम्बे आते थे या ये लोग उधर दिल्ली में कभी मुलाकात हो गई, कभी पटना में मुलाकात हो गई, तो कुछ पार्ट पार्ट कहानियां का जो कहानी उसका सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, बहुत इंस्पायरिंग लगता था कि अब कहानी तो हम पूरा बताएंगे नहीं, आप तो फिल्म में देखिए, ट्रेलर में देखिए, लेकिन एक माँ की छटपटाहट की बेटी पढ़े, एक बच्ची का संघर्ष पढ़ने का, पति का विरोध फिर सपोर्ट, ये सब पिता का कभी पॉजिटिव हो जाना कभी निगेटिव हो जाना, कई चीजों ये जो नेचुरल लाइफ में होता है ना, उनको ये लोग उतारने का प्रयास किया। संजीव जी जब म्यूजिक बना रहे थे तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐसा बताइए सर, हमको किस बात का ख्याल रख के म्यूजिक बनाना चाहिए? आजकल के बच्चे तो बड़ा नए नए तरह का डिस्को टाइप का अजीब टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। हम कहते देखिए हमारे पिताजी बोले थे कि बेटा तुम बड़ा होके क्या बनोगे? हम कहे शिक्षक बनेंगे भाई, टीचर बनेंगे। जब मैंने टीचिंग शुरू किया या शुरू करना चाह रहा था तो पिताजी से पूछा, तो पिताजी पूछे कि देखो क्या मापदंड रखे हो तुम पढ़ाने का, क्या पैरामीटर्स है उसको मान के पढ़ाओगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा। हम कहे पिताजी हम मेहनत करेंगे। तो नहीं, एक चीज याद रखो, इसलिए तुम कभी मत पढ़ाना कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो, इसलिए भी मत पढ़ाना कि बहुत कोचिंग का फ्रेंचाइजी बांट के ढेर पैसा कमा लो, इसलिए पढ़ाना कि बच्चा का कॉन्सेप्ट अच्छा और उसको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए। तो म्यूजिक जब ये बना रहे थे तब हमने इनको यही बोला कि आप ऐसा म्यूजिक बनाइए ना कि जहां का तहां जनता रुक जाए। फिर खैरवार साहब ने पूछा आपके फिल्म से लोग बंध जाए। हम लोग जब एक लेक्चर देते हैं तो लेक्चर देते हैं तो लेक्चर का क्या खासियत होना चाहिए कि शुरू से लेके अंत तक एक घंटा का हो, डेढ़ घंटा को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तो बच्चा आपस में बात न करे, उबे नहीं, वो बंधा रहे, दर्शकों को बांधिए। यही दो कॉन्सेप्ट लेके ये फिल्म बनी है, ऐसा मेरा विश्वास है। हेलो हेलो कशिका, ये शादाब, शादाब इज शादाब बॉलीवुड इंडा। कशिका मेरा एक सवाल है, आपका है इसमें मैट्रिक पास और एक आया था पिक्चर 12 फेल, क्या उससे कुछ सिमिलर कुछ कहानी आपकी? ऐसे ही से बोलो बिल्कुल नहीं एक्चुअली, जर्नी सेम है, यस, इट्स अबाउट द स्ट्रगल, इट्स अबाउट विनिंग इन लाइफ। फिर से जैसे हमने बोला, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन एजुकेशन, इट्स अ मिक्सचर, बहुत इमोशन साथ में आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, आप जाकर रोगे, आप हंसोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे इस फिल्म से। वो जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोग आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन पिक्चर तो देख लेंगे, थोड़ा तो रिवील कर सकते हैं आप? मैं इसको रिवील करेंगे जब हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे ना, उस दिन बात करेंगे इसके बारे में। तो वो ट्रेलर में आप तब आप ट्रेलर भी देख चुके होगे तो आपको भी आइडिया होगा कि क्या क्या है इसमें। सो इट्स नॉट सिमिलर, मतलब आप 12 फेल सी नाम वैसे ही है, इट्स पर एजुकेशन को लेकर 12 फेल एंड मैट्रिक पास। बट ये फिल्म पूरी, मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ कि ये फिल्म ड्रामा है, लव स्टोरी है, सब कुछ है, मतलब पढ़ाई को लेकर, लेकिन मेन थीम इसका है पढ़ाई, एजुकेशन। और वैसे भी उसमें विक्रांत फेल हुए थे, यहाँ पास हुए हैं भाई, यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना। ओके लास्ट वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अनिल सर आपसे ये चाहता हूँ मैं कि इतने सारे बच्चे आए हैं, आप प्लीज उनका एक तरह से मार्गदर्शन अगर कर देंगे तो काफी बढ़िया होगा। ये काफी देर से आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ चीजें उन्हें करनी चाहिए, उनका क्या टेंशन होता है, उन्हें प्लीज एक मार्गदर्शन करें। बच्चियों को हमेशा मन लगा के पढ़ना और पूरी ताकत के साथ पढ़नी चाहिए, और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास सुविधाएं कम है, हमारा दिमाग कम है, हम वो काम नहीं कर सकते जो बच्चे कर सकते हैं। बच्चियों को ऐसा सोचना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। आज हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, जो उनके घर में
बच्चियों का आज भी हक कम होता है। भाई होता है, बोलता है जाओ एक गिलास पानी ला के दो, माँ को बोलता है माँ खाना बना के दो। बचपन से देखता है कि हमारे पिताजी कभी खाना बना के माँ को नहीं खिलाते, तो उनके मन में ये धारणा हो जाती है कि बच्चियों का ये काम है, इसको तोड़ना जरूरी है। और ये टूटेगा कैसे? पढ़ाई से। और ये पढ़ाई होगी कैसे? जब ये फिल्म देख के आप इससे कुछ सीखने का मौका ढूंढिएगा। तो इसलिए बच्चियों को यही संदेश देते हैं, पढ़िए लिखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और अच्छा करिए। हम भी वैसे ही परिवार से आए जहाँ पर माताजी खाना दे देती थी, दादी पानी दे देती थी, ला माँ खाना खाना दे दी, पानी एक गिलास पड़ रहे लाके दे दी, उस तरह का शादी हो गई। हमारी वाइफ IIT से पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक दिन हम बोले कि भाई चाय बनाइए, बना दी। दूसरा दिन बोले कि भाई बहुत थके हुए चाय बनाइए, बोले जाइए आप बनाइए। और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बनाइए। बोले भाई हम तो चाय कभी बनाए नहीं, दोस्तों खाना बनाना भी सीख ये फिल्म उन्होंने खाना बनाना भी सिखाएगी, बहुत अच्छी। आनंद सर एक सवाल है, इस फिल्म से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैसेज जाएगा क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत खुश होंगे देख के फिल्म, अगर उनको मौका मिलता है तो जरूर देखना चाहिए उनको, हमारा अपील है। और वो चाहते हैं कि बच्चियां पढ़े लिखे, बहुत खुशी होगी उनको देखकर। थैंक यू सो मच। बच्चों बच्चियों की खास कर बात आई, स्टूडेंट की बात आई, तो टीचर उससे अलग नहीं हो सकती। तो मैं टीचरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैंने भी झेला है, तमाम लोग आज झेलते हैं, कि जो टीचर्स का क्लास में ध्यान आकर्षित हो जाता है अच्छे बच्चों का, ये मैंने इनसे भी बहुत प्रेरणा ली है, कि सारा धीमे धीमे फोकस अच्छे बच्चे, स्कूल का नाम, क्लास का नाम यहाँ नहीं जाना चाहिए। फोकस होना चाहिए सबसे कमजोर बच्चा, टारगेट होना चाहिए सबसे कमजोर बच्चा, और वो यहाँ बैठे जहाँ सबसे अच्छे बच्चे बैठे। मैं इस विषय पर पूरे हिंदुस्तान में जाकर टीचर्स थेरेपी करता हूँ। मैं आज 9-20 मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं रहा, क्योंकि बचपन से ये सब करता आया हूँ ना, तो ध्यान रिक्वायरमेंट थी। हेलो एवरीवन, बेसिकली कशिका का वन ऑफ द फर्स्ट म्यूजिक वीडियो मैंने डायरेक्ट किया था, और एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा म्यूजिक वीडियो था, वहाँ हम मिले थे। उसके बाद से बहुत अच्छी दोस्ती हमारी हो गई और हम हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट में साथ काम करते रहे। और फाइनली कशिका के डैड बहुत फैमिली फील्स लाइक फैमिली, डैड एंड मॉम ऑलवेज यूज टू मीट। और फिर सडनली कशिका का एक कॉल आता है कि मुदस्सर आई एम डूइंग अ मूवी, एंड मैंने देखता जाता था, शी इज ऑलवेज शूटिंग फॉर अ फिल्म। मैं समझ गया कि यार मतलब वट एवर शी वॉन्टेड शी इज गेटिंग इन द राइट वे, एंड ऑलवेज वेरी टैलेंटेड लेडी, आई कैन से वेरी टैलेंटेड गर्ल। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का जो सपोर्ट उसको मिल रहा है वो सभी को मिलना चाहिए, सभी के पेरेंट्स सभी को मिलना चाहिए। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन ऑफ हर। और बहुत ही टैलेंटेड है, नो मैटर हर बार हर कोई ये बोल रहा था कि बैंड्रा से है, बैंड्रा से है, बैंड्रा से है। सलमान भाई भी बैंड्रा से है भाई।